As I told you, आज मैंने बोल कर स्टेप करवा देना है, so be ready for that one also. Just calculate the one molecular mass bracket के वाले भी already discussed. One और कर लो. Copper sulfate. Five molecules of water, that is copper sulfate pentahydrate. Penta five के लिए use किया जाता है, hydrate water molecules के लिए. ठीक है, ये भी calculate कर लो. एक कर लो sodium carbonate tetrahydrate. ठीक है, bracketed वाले हमने कर लिए. One try this. ये वाला this is washing powder, right? Now, copper का mass number लिखो 63.5. जिनका data hydrated, that is definitely hydrated. If it is hydrated, so hydrated word given O. Plus. तभी रुकियो मैं. 63.5 plus sulfur. 16.32. Plus oxygen. 16. Oxygen. 16 or 64. 16 multiplied 4. 64. Right? Then fifth plus. Then find outside of this bracket water को आप अंदर लिख सकते हो अभी 1 into 2 plus 16. देखो क्वेश्चंस यही आने हैं पेपर में अगर ध्यान दो. कॉपर का लिखा मास नंबर, राइट, सल्फर का मास नंबर 16 एटॉमिक नंबर होता है 32, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर मास नंबर 16 मल्टीप्लाई बाय 4. ये जो डॉट है इसको मल्टीप्लाई नहीं कंसीडर करना, हमने क्या करना है प्लस. 5 मैंने बाहर लिख दिया ब्रैकेट के अंदर h उसको लिख दिया भी, क्योंकि 5 इनके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना. मेरी ने चीज याद रखना, लुक हियर, समझ लो. जैसे मैं बार बार नॉर्मली मैं बोलती हूँ कि अगर गाबा लिखा है, इफ आई एम सेइंग माय रिफ्लेक्ट गाबा, अगर मेरे घर के बाहर गाबा है, दैट मींस हम जितने अंदर लोग हैं, ठीक है, गाबा है, दैट मींस दिस इज द नेम प्लेट. जो बाहर है वो अपने क्या एक नेम प्लेट हो गई. अब यहाँ पे जो फाइव है H2O, दिस इज द नेम प्लेट फॉर द होल, यानी कि दिस फाइव बिलोंग्स टू दिस आल्सो, दिस फाइव बिलोंग्स टू दिस, राइट, दैट्स व्हाई फाइव बाहर अंदर ब्रैकेट लगा. अभी आ गया 63.5 प्लस 32 प्लस 64. प्लीज स्टॉप टॉकिंग बच्चे. 5 मल्टीप्लाई 18 हो गया ना. अब ये कितना हुआ 63.5 32 64 18 5 का 240.5 आएगा. इधर से रमेश क्लियर हुआ लास्ट में पक्का. तो देन आपको अगले वाला करो. हम अगले का 286. सोडियम 11 एटॉमिक नंबर मास नंबर डबल ऑड नंबर है तो उसका बनना 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इनटू 3 प्लस
N is equal to small m upon capital M. Capital M. We will use two formulas. Me unitary method we I will tell you. Okay, but without unitary method, this is the easiest method that we can apply. This is N means number of moles. Given mass. Nothing thodi there too. Molar mass. मुझे बाकी को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे. ठीक है, दिस इज द फार्मूला. स्मॉल एन इज इक्वल टू दी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. अनदर फार्मूला, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला. सेकंड फार्मूला वी विल यूज, दिस एन इज इक्वल टू एन इनटू एन नॉट भी लिखते हैं कई बुक्स में, यहाँ पे ए भी लिखता हूँ, दैट इज एवोगैड्रो. ठीक है, एवोगैड्रो जो भी हमने वन मोल को करा था 6.022, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, इसको हम ओ से भी डिनोट करते हैं और ए भी लिखा. सो व्हाट आर दीस टू? दिस मींस नंबर ऑफ एटम्स. क्या वर्ड लिखवाया था मैंने? एटम्स. पार्टिकल की बात कर रहे हैं. पार्टिकल में भी एटम्स, में भी मॉलिक्यूल, में भी आयन. पार्टिकल में भी एटम, में भी मॉलिक्यूल और में भी आयन. दिस इज व्हाट स्मॉल एन इज. व्हाट अभी तो लिखाते हैं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस एन नॉट इज इक्वल टू एवोगैड्रो. What is the value of Avogadro number? 6.023. In some of the book, you will read 6.023 भी होता है कईयों में. So don't get confused. ठीक है? Decimal के digits के बाद जो decimal के बाद digits they can vary. Is it okay? Two formulas are clear? अब चाहे ये तो आपने expand करके लिख लिया ना, एक बार box बना के फिर लिखो ये formula. N is equal to small m अपॉन कैपिटल एन, एन इज इक्वल टू एन इंटू एन. एक बार ऐसे भी लिख.
ये जरूरी है, ये तीन चार बार करेंगे हम सभी दोनों. मोल कंसेप्ट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एटम. अभी कर बात हो गया. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल सो दैट कंसेप्ट क्लियर. राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. राइट डाउन हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम. How many moles are here in 5 gram of calcium? Look here now. क्या निकालना है क्वेश्चन में? Moles का फॉर्मूला क्या है? N is equal to m. Right? ये हमने निकालना है. Small m is given. Given mass कितना given है? 5. We will put 5. What is capital M? Molar mass or more. क्या दिया हुआ element? Calcium. Calcium का mass number कितना है? 0.125 mole. यूनिटी मेथड वो करना है कि ये ठीक है. यूनिटी मतलब स्टेटमेंट की तरह की 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन दिस तो 5 ग्राम ऑफ दिस एट दिस लिखो. व्हाट इज द मास ऑफ, अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles of aluminium atom. What is the mass of 4 moles of aluminium atom? अब मेरे पास यहाँ पे definition question में what is given? Moles? Which formula I will apply? Which formula? क्यों मोल्स की बात है तो मोल्स का फार्मूला तो मेरे पास ये है ना. ये तो एटम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स की बात हो रही है ना. अभी मेरे पास मोल्स का फार्मूला क्या है? n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m. राइट, n कितना गिवन है? 4. m निकाल दें. मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम का देखेंगे क्योंकि एल्युमिनियम की बात है. एल्युमिनियम इज सिंपली मैं आई एम नॉट डूइंग लाइक कि हैपर एज इट आई एम नॉट डूइंग. स्टेप बाय स्टेप बेटर रहता है, लर्न होता है, कंफ्यूजन नहीं होता. अभी बताती हूँ, पहले तो समझो. ठीक है, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई बात एनसीईआरटी देना. हाँ जी, क्योंकि मास निकाला ना. मास इज इन द ग्राम्स. बुक दो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ, हमें इकट्ठा क्वेश्चन दे रही हूँ. राइट डाउन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग. पहली है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, राइट, एंड सेकेंड इसका है 12.044 इनटू 10 इज 23 नंबर ऑफ ये दो है, राइट. वी आर हैविंग दीज टू नंबर ऑफ एच. ठीक है, दो मिनट बाद, दो मिनट सिर्फ, क्योंकि सबको नहीं आता.
पहले क्या कहा क्या उससे निकालना क्या व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोल राइट ये निकालना है बट इज गिवन गिवन है लिख दो मोलर मास ऑफ हीलियम कितना आया 13 क्या मोल्स जरूर लिखना है राइट अब सेकंड नाउ दे हैव गिवन दिस वैल्यू कैलकुलेट क्या करना है मोल्स लेकिन उन्होंने वैल्यू क्या दी है एवोगाड्रो के रिलेटेड है ना तो मैं इस फार्मूला पे भी लिखना है ठीक है n is equal to n into n naught n given it 12.044 into 10 is by 23 n nikalna hai avogadro number kya hai to kya ho jayega n is equal to 12.044 10 is by 23 divided by और मोस्ट प्रोबेबली बच्चे आपको ये कटिंग मुश्किल नहीं लगेगी क्योंकि मोस्टली ये 2-3 पे कटिंग हो जाती है ठीक है कैंसर कितने मोल्स आ गए हो जाते वो जो भाग डेसिमल में हो जाए एक दो से है मैंने भी देखे हैं क्यों मोल आएगा आगे लिखो चलो नेक्स्ट लिखो अच्छा लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग मास ऑफ द कॉल अब मास निकाल किस किस का निकाल है चार है यहाँ पे पहले है 0.1 एक करते करते 0.1 मोल मोल में ना समटाइम ई नहीं लिखा होता ऑफ नाइट्रोजन गैस चलो अगर मैंने यहाँ पे अब N2 लिखा था सपोज इफ आई एम नॉट राइटिंग हियर आई एम राइटिंग हियर गैस तो आपको गैस से क्या आइडिया लगाना चाहिए N2 की बात हो रही है N की नहीं गैस एटम वर्ड होगा नाइट्रोजन एटम को सिंगल एलिमेंट गैस वर्ड लिखा है नेचुरली वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है N2 राइट तो ये हमारे पास क्या हो गया N2 क्या हो गया मास निकालने गिवन क्या है मोल प्लीज बैठ जाओ स्मॉल एम अपॉन मोल कितना गिवन है एम निकालने मास नाइट्रोजन का कितना है 28 आएगा अकेले नाइट्रोजन का 14 दो है पैर में तो कितना हो गया 14 ग्राम अगर एक मिनट यहाँ पे ये मैं चेंज कर दूँ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 आएगा ठीक है नाइट्रोजन एटम की बात मतलब क्या होगा n n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m n कितना है 0.5 m निकालते हैं 14 ठीक है अगर आप लॉजिकली भी देखो तो अकेले एटम का जो है 7 होता है ना आपकी बुक में पेज नंबर 42 पे जो न्यूमेरिकल है वो ट्राई कर लेना नहीं निकलेगी कोई इशू नहीं पर ट्राई है जैसे